हेलो फ्रेंड्स, आज हम धनिया पंजीरी बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए आधी कटोरी घी, आधी चम्मच इलायची पाउडर, एक कटोरी पिसी हुई चीनी, एक कटोरी साबुत धनिया, दो चम्मच गोंद, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, मखाने एक कटोरी और दो चम्मच के करीब मैंने सूखा नारियल लिया है कद्दूकस किया हुआ, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अब हम एक कढ़ाई में धनिए को भून लेंगे। ये हल्का सा ब्राउन होने लगेगा, हमें इसको ब्राउन होने तक भूनना है। इसको 3 से 4 मिनट भूनना है। ठंडा होने के बाद इसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए ग्राइंड हो गया। मैंने घी कढ़ाई में घी लिया है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, उसको मैं तल रही हूँ। हल्का सा रोस्ट हो जाए ये, उसको निकाल लूँगी। देखिए रोस्ट हो गए हैं। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। थोड़ा सा मैंने घी डाला है, 3 से 4 चम्मच के करीब। उसके बाद जो मैंने धनिया पिसा हुआ था मिक्सी में, उसको भून रही हूँ। सिर्फ मैं इसको 1 मिनट के लिए भूनूंगी। 1 से 2 मिनट भूनना है इसको स्लो पर, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी भून चुके हैं पहले साबुत धनिए को। आप तभी पीसें जब साबुत धनिया बिल्कुल ठंडा हो जाए। ये मैंने सिर्फ 1 से 2 मिनट भूना है, इसको ज़्यादा नहीं भूनना। इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब थोड़ा सा मैंने घी लिया है, 3 से 4 चम्मच के करीब। अब ये घी गरम हो रहा है, इसके अंदर मैं अब मखाने डाल दूंगी। मखाने हमें स्लो पर करने हैं, पहले गैस तेज होनी चाहिए और बाद में हम इसको स्लो कर देंगे। हल्के से ब्राउन होने लगेंगे, हम इसको निकाल लेंगे। ये तेज करी, स्लो करी, अब इसको मैंने निकाल लिया है। इसको ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना। अब मैंने एक और कढ़ाई लिया, उसमें मैंने घी 4 चम्मच लिया है और बिल्कुल घी गरम है, और इसमें मैंने गोंद डाल दी है। गोंद डालते ही ये फूल जाएगी और इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। ये मैंने तेज गैस पर ही बनाया है गोंद को, इस पर गैस स्लो नहीं करनी है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, अभी ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसको ठंडा कर इसको मिक्सी में पीस लूँगी। अब मैं इसको हाथों से ही क्रश कर रही हूँ मखानों को। अब मैं अपना पंजीरी में धनिया पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, ये गोंद जो मैंने पीस ली थी, नारियल, ये चीनी पीसी हुई एक कटोरी, और ये मखाने, इन सबको डाल दिया लास्ट में और इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से। आप देख सकते हैं, आप इसको ज़रूर बनाए, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मगर इसको बनाए ज़रूर। आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। ये देखिए मेरी पंजीरी बनके तैयार हो गई है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। थैंक यू।